आज राजकीय आईटी यमुनानगर में नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम प्रमोशन स्कीम्स जो कि भारत सरकार के माध्यम से अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ये स्कीम ईजाद की गई है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहा है कि हमारी ये नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम जो हमारे पास आउट ट्रेनिस हैं जो नीचे वर्ग के बच्चे इसमें आईटी में पढ़ने के लिए आते हैं, ज़रूरतमंद बच्चे इसमें पढ़ने के लिए आते हैं, उनको इसका अधिक लाभ मिले, इसके लिए उन्होंने इसका नाम नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम रखा है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार के सौजन्य से ये इस वर्ष हमारे सभी जो अप्रेंटिसशिप स्कीम्स को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्कीम को एक वेब पोर्टल ईजाद किया है, WW अप्रेंटिसशिप स्कीम। इसके तहत जितने भी सरकारी गैर सरकारी जितनी भी हमारी संस्थान हैं वो उस पर अपने बच्चों को उस पोर्टल पे अप्रेंटिस पोर्टल पे रजिस्टर करवा सकते हैं और बच्चे भी अपने उस अप्रेंटिस पोर्टल पे अपने आप को स्वयं अपने रजिस्टर मोबाइल के माध्यम से उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। इसी तरह प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक एस्टेब्लिशमेंट को हमारे इस ऑनलाइन जो WW पोर्टल अप्रेंटिस पोर्टल है उस पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके लिए हमने इस वर्कशॉप का ये आयोजन किया था। हमारे ज़िले में स्थित सभी सरकारी राज्य और प्राइवेट आईटी के जो प्रधानाचार्य है उनके ऑर्गेनाइजर्स को बुला करके इस स्कीम के बारे में विस्तार से बताया गया है कि बच्चों को इसको किस प्रकार से अप्रेंटिस स्कीम में रजिस्टर्ड कराएं और वेब पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाए और इंडस्ट्री को इसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। इसका हमने ये एक विभाग की तरफ से जो डायरेक्शन आई है कि प्रत्येक मास में हमें टारगेट दिया गया है उसको अचीव करने के लिए हम सभी ज़िले में स्थित राजकीय और प्राइवेट आईटी संस्थानों के द्वारा मिलजुल के काम करने के लिए आज ये इसको ये यहाँ पर प्लानिंग की गई है कि इसको हम किस प्रकार से अधिक लाभ इसमें बच्चों को दे सकें ताकि ये बच्चे अप्रेंटिस का लाभ लेकर के उसी अप्रेंटिस करने के बाद अपने उज्ज्वल भविष्य करें, रोज़गार प्राप्त करें और उसके बाद वो उसी इंडस्ट्री में प्लेसमेंट कैसे प्राप्त करें, इसी के बारे में ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया, ये डिस्कस किया गया। जो हमारी सरकार की जो नीति है वो ये है कि भाई हमारी जो 2.5 से 10% जितने भी हमारे टोटली एम्प्लॉई होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत वो उसमें 2.5 से 10% की रेशो के हिसाब से इसमें हमें इसमें ये इसमें एंगेजमेंट करनी है। और जो भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी तरफ से श्रम मंत्रालय के द्वारा ये ईजाद किया गया, लॉन्च किया गया साइट को, इसमें ये बताया गया कि हमारी जो इस समय स्ट्रेंथ है 5 लाख है और आने वाले 2020 तक इसको 5 से बढ़ा करके हमने 50 लाख इसमें अप्रेंटिसशिप लगाने हैं। तो इस प्रकार से हमने जितना भी इसका प्रचार प्रसार अपने संस्थानों के माध्यम से अपने जो किसी भी स्रोत के माध्यम से ये किया जा रहा है कि अधिक से अधिक पास आउट आईटीआई के बच्चे इसमें अप्रेंटिसशिप स्कीम का लाभ उठा करके अपने आप को इसमें एंगेज कर सके, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है।